नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दो जिलों के दौरे पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम दोनों जिलों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही साथ विकास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कई योजनाओं के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दो जिलों के दौरे पर हैं, बाराबंकी और रायबरेली। लोगों को वहां पर चौपाल लगाकर वहां पर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, कई कार्यों का निरीक्षण करेंगे, वहां पर विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दो जिलों के दौरे पर हैं, वहाँ पर वो कई कार्यों का जायजा लेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे, वहाँ पर वो निस्तारण के निर्देश भी देंगे। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी संवाददाता सुहानी। सुहानी, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद दो जिलों के दौरे पर है, कितनी महत्वपूर्ण है ये दौरा? नंदिनी, आपको बता दें कि भाजपा सरकार हमेशा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में रहती है। वहीं सूबे के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, आज वो रायबरेली और बाराबंकी के ग्राम चौपाल एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरे में तमाम जिला अधिकारी और मौजूद रहेंगे और वहां के जनता से वो रूबरू होंगे, वहाँ के समस्याओं के जनता के समस्याओं को सुनेंगे और जो भी विकास के कार्य अभी तक जो सरकार यूपी सरकार किए हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। और बता दें आपको कि ये जो चौपाल है वो 30 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये चौपाल की शुरुआत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ था और वहाँ भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनकी समस्याओं को सुने, उनके वहाँ के विकास के कार्यों का निरीक्षण किए और जो भी कार्य नहीं उसके तत्कालिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तर जो पूरा भारत जो है वो 60% आबादी जो गाँव से बिलोंग करते हैं और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश यूपी सरकार जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों पर एक्टिव रहती है, चाहे वो जाड़े मौसम चाहे वो कहीं भी हो, उनके सहायता करने के लिए हमेशा एक्टिव मोड में दिखते रहते हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो शीतलहर आई थी या बाढ़ आया था उसमें योगी सरकार खुद जाके उनसे बातचीत की, उनके समस्याओं को सुने और कंबल बांटे, जो भी उनसे हो पाता है। योगी सरकार जो हर समय एक्टिव रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर। सुहानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दो जिलों के दौरे पर हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है, वो जो चौपाल लगाएगी इसके अलावा क्या कुछ और तैयारियां कर रही है? जी नंदिनी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, निकाय चुनाव अभी जो अभी टल चुका है जो कि मई जून में होने वाला है, इसको देखते हुए योगी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और कहीं ना कहीं हमेशा जनता के जो सहायता के लिए तत्पर रहती है, चाहे वो अभी चौपाल लगा के करे या जो भी सहायता हो शीतलहर को देखते हुए। और अनेक ऐसी सुविधाएँ हैं जो कि और योजनाएँ जो लेके आती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो गया चाहे शहरी क्षेत्रों के लिए, हमेशा एक्टिव में रहती है और की सहायता करती है, वहाँ पर निरीक्षण भी जाके विकास कार्यों का भी निरीक्षण करती है और ऐसी तमाम सुविधाएं जो हमें आगे भी देखने को मिलेगा योगी सरकार लाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो और जो चुनाव होगा लोकसभा को, ये सिर्फ भाजपा ही नहीं, सपा बीजेपी जितने भी पार्टी हैं सभी अपने चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में देख रहे हैं, अलग अलग योजनाएँ लेके आ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और विकास के कार्यों का अपना निरीक्षण भी कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। कानपुर में स्थित एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने ठंड के चलते हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की सूची जारी की है। यूपी में ठंड का कहर जारी है, हालात ये है कि ठंड अब जान पर भी भारी पड़ने लगी है। यूपी के कानपुर में ठंड के चलते 22 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर स्थित एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने मौतों का यह आंकड़ा जारी किया है। हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोगों को कार्डियोलॉजी में भर्ती कराए गए। वर्तमान में हृदय रोग संस्थान में कुल 723 हृदय रोगियों का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की जो रोगी आ रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया था।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अनिल। अनिल, देखा जाए लगातार ठंड का कहर जारी है, जिस तरीके से कानपुर में मौत का आंकड़ा जारी किया गया है। जी, मैं बता दूं कि कानपुर में सर्दी जो है जो पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और लगातार यहां का पारा जो है वो लगता चला जा रहा है। और कल का जो पारा था 4.6 था, लेकिन आज के तापमान में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा बता दूं कि लगभग सर्दी के बढ़ने से प्रतिदिन मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और कल बता दूं कि मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए थे। 15 मरीज जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे और भर्ती के वक्त ही वहां पे जिनका इलाज चल रहा था वो वहां पे खत्म हो गए थे। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार ठंडी का कहर बढ़ रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जहाँ अमूमन जो ओपीडी हुआ करती थी 300-400 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में लगभग ओपीडी जो है 700-800 लोग बढ़ गए हैं। अगर पूरे कानपुर की बात करें तो पूरे कानपुर में लगभग 1500 से 2000 रुपए, माफ कीजिएगा, 1500 से 2000 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंटों के भी उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा बता दूं कि जो आज का तापमान है वो काफी कम है और गलन बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बढ़ती सर्दी से जहां मरीजों की मृत्यु हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब हमने मौसम विभाग के लोगों से बात करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो ठंड बढ़ती है, ठंड के बाद अनाज और सब्जियां भी बढ़ना चालू जाती है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की बीमारी इसमें बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान में जो अस्पतालों की स्थिति देखी जाए तो बहुत नाजुक है और जिस हिसाब से मृतकों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। जी अनिल, देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मौतों की सूची जारी की गई है, तो कानपुर में हॉस्पिटल में किस तरह का व्यवस्था किया गया है ठंड को लेकर? जी, मैं बता दूं कि जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं बहुत ठीक व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सर्दी बढ़ रही थी तो उससे उसको लेके जब हमने डायरेक्टर कृष्णा से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से जब मरीजों की संख्या बढ़ गई तो हमने सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही सुचारू रूप से और चल रही थी, लेकिन उसको और हमने बेहतर कर दिया है। और लगातार लगभग ये केसेज जो होते हैं रात को ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के, क्योंकि रात में ठंड का जो तापमान रहता है बहुत कम रहता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो रात को रात के टाइम स्टाफ की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जब निदेशक से बात की गई हृदय संस्थान के, तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये सर्दी इन सब चीजों के लिए बहुत घातक है। और उनका कहना था कि यदि जो मॉर्निंग वॉकर हैं जो सुबह टहलने जाते हैं, यदि सुबह की जगह अगर दोपहर में जाएं तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उनकी रक्षा हो सकती है। जी, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है कानपुर में? जी, जब हमने कल रात को इन सब चीजों के बारे में देखा तो रैन बसेरों में उतनी खास व्यवस्था नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही AK शर्मा मंत्री ने इस चीज पर बयान किया था कि सारे जितने भी नगर आयुक्त हैं, जितने भी रैन बसेरा है उनमें सारी व्यवस्थाएं करते हैं, अलाव जलाने की व्यवस्था करा दें, लेकिन कहीं भी हमको अलाव नहीं दिखा जितने भी रैन बसेरा थे। और लगभग कुछ लोगों की भी गलती है कि लोग रैन बसेरा छोड़कर जो सड़कों पर जो किनारे सोते हैं उस पर सोए, तो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि लोगों को जागरूक करें कि लोग सड़क से हट के जो रैन बसेरा बने हैं उसमें सोए। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। वही अब बात करें, कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले 26 जनवरी से कांग्रेस हर जिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों से जाकर बातचीत करेंगे। इस अभियान को यूपी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी धार देंगी। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बिल्कुल अलर्ट पे है, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगा। जी नंदनी, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब कहीं कांग्रेस पार्टी अब देखे तो कहीं ना कहीं चर्चों का विषय बनी हुई है। उसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा जो कि 26 जनवरी से और 26 मार्च तक चलेगा। इसमें बताएं कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जाकर उनकी अगुवाई में लोगों के साथ मिलेंगे और चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए
तो इस भारत जोड़ो यात्रा ने आपने साफ तौर पे राहुल गांधी को सुना और देखा कि उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये नारा होता जा रहा है धीरे धीरे और कांग्रेसियों के लिए एक कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का भी काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कल उत्तर प्रदेश में अपने 3 दिनों का दौरा खत्म करके और देर शाम हरियाणा पहुंच चुकी है और हरियाणा के अंदर में सुनौली में एंट्री करके और अपने 2 दिन हरियाणा में रहेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो इस यात्रा के खत्म होने के बाद जब ये कश्मीर तक ये यात्रा खत्म हो जाएगी उसके ठीक बाद 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी जो कि हर एक प्रदेशों में जिलों में मनाई जाएगी। लोगों के द्वारा इस अभियान के तहत लोगों से हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं एक करने की जो बात है उसमें एक और मुहिम चलाई जाएगी। अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की तो राहुल गांधी आज अपने भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर हरियाणा पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कल देर शाम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खावरी से जो भारत का झंडा है उसे देकर और हरियाणा का जो बाउंड्री है और उत्तर प्रदेश का जो सीमा है बाउंड्री है दोनों के बीच झंडा का हेर फेर हुआ, जिसके बाद हरियाणा में एंट्री कल देर शाम हो गई। आज तय समय से 6 बजे तय समय था मगर चूंकि खराब मौसम की वजह से 2 घंटे लेट के बाद 8 बजे पदयात्रा शुरू हुई। अगर बात की जाए तो पदयात्रा के दौरान आज राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि फैक्ट्री चलाते हैं उनके फैक्ट्री पर जाकर रुके और साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट लिए और वहां चाय का बंदोबस्त भी किया गया था। साथ ही जो फैक्ट्री के मालिक थे उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं संघी हूँ और अब तक भारतीय जनता पार्टी को देते आया हूँ और देता रहूंगा, मगर राहुल गांधी से कहीं ना कहीं वो नफरत नहीं करते और उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मीडिया बाइट्स में कहा। वही हरियाणा में अगर बात की जाए तो आज देर शाम हुडा ग्राउंड में एक रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग 1 लाख से ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया, यानी कि बैठने की जो व्यवस्था है वो 1 लाख से ऊपर लोगों को की गई है। साथ ही इस जनसभा को संबोधित करने के लिए जो वहाँ के क्षेत्रीय किसान हैं उन्होंने 6 एकड़ जमीन जिस पर गेहूं लगाई गई थी उसे कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को जुतवा कर और वैली स्थल का जगह उनके द्वारा राहुल गांधी को प्रदान की गई है। अब आने वाले दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा है और या हाथ जोड़ो या जो अभियान चलाया जा रहा है इससे कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचेगा, क्या खोए हुए जमीन को कांग्रेस वापस पाती है वो आने वाले चुनावों में देखने वाली बात होगी, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस यात्रा से और साथ ही साथ 26 जनवरी से और 26 मार्च तक चलाए जाने वाले हाथ जोड़ो अभियान से कितना लाभ होता है वो आने वाले चुनावों में देखने वाले के नतीजों से साफ होगा। मगर नंदनी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब चर्चाओं का विषय कांग्रेस बनी हुई है और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती लाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में नया प्रदेश अध्यक्ष ले आई है और 6 प्रांतीय अध्यक्षों को मिलाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 0 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और इस यात्रा के बाद क्या फायदा होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो निकाय चुनाव में भी साफ हो सकता है। जी विभांशु, क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में महज 3 जिलों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा गई। बात की जाए तो गाजियाबाद, शामली और बागपत, इन तीनों जिलों में जाने के बाद कहीं ना कहीं जो कि पक्ष दल है यानी कि ऑन गवर्नमेंट बीजेपी, इसे साफ तौर से सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक सांकेतिक यात्रा है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर में फ्लॉप शो साबित होगी। वहीं आपने देखा कि हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं किसान, नौजवान, कांग्रेसी नेता इस यात्रा में शिरकत करके और राहुल गांधी को मनोबल को बढ़ाए, जिसको देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। वहीं जयराम रमेश जो कि भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर है उनकी तरफ से कहा गया कि इस यात्रा में मिली लोकप्रियता को देखते हुए
हम यात्रा का दूसरा फेज शुरू करेंगे जो झारखंड, बिहार, बंगाल और साथ ही साथ सेवन सिस्टर्स इन तमाम राज्यों में होकर गुजरेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने लगभग 11 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, 11 राज्य में प्रवेश कर चुकी है और हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से कश्मीर जाएगी, वहां पे इस यात्रा का समापन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस यात्रा का अन्य राज्यों में कैसा इम्पैक्ट रहता है। वहीं अगर बात की जाए तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पंजाब के अंदर में फ्लॉप होगी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे बात की जाए पूर्व सीएम चन्नी, ये सभी पंजाब से बाहर हैं। तो अब ये भी एक चुनौती का विषय होगा कि हरियाणा के बाद जब पंजाब यात्रा जाती है तो किस तरह का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है। वहीं अगर बात की जाए तो इन यात्रा के पहले फेज खत्म होने के बाद 26 जनवरी से अब 26 मार्च को हाथ जोड़ो अभियान होगी, उसके ठीक बाद यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।